ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमीरपुर की मासिक बैठक हमीरपुर के ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हमीरपुर ब्लॉक के नव नियुक्त प्रभारी ललित चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बैठक में पार्टी ने बूथ स्तर पर शुरू किए जाने वाले जनसंपर्क अभियान में मेंबरशिप तथा आने वाले लोकसभा चुनावों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार संगठन का ही सदस्य या कार्यकर्ता होना चाहिए। कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा स्तर का नेता पार्टी या संगठन के खिलाफ नारेबाजी करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। बैठक में जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य सुनील शर्मा बिट्टू, सुमन भारती, अजय शर्मा, मनोज शर्मा, विवेक कटोच, अश्विनी शर्मा, राकेश वर्मा, रिटायर्ड तहसीलदार सुरेश पटियाल, शारदा देवी आदि उपस्थित रहे। जो हमीरपुर की मासिक बैठक है, इसका जो एजेंडा है, आज की बैठक का मुख्य एजेंडा यह है कि जो हमारा एक जनसंपर्क अभियान बूथ स्तर पर शुरू होने जा रहा है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी और जो हमारे आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उनके बारे में भी रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इस बैठक का मुख्य जो उद्देश्य है, आने वाले लोकसभा के चुनाव, साथ में ही हमारे हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जो ब्लॉक स्तर के दौरे हैं उनको सुनिश्चित करना, उसके लिए विचार विमर्श करना, उसके लिए आज जो है हमीरपुर ब्लॉक की कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलानी। इसी तरह से पूरे जिला के अंदर कल बरसर ब्लॉक की मीटिंग है, उसके बाद गोरंज ब्लॉक की मीटिंग है और लगातार सारे पांचों के पांचों जो हमारे सात ब्लॉक हैं, सातों ब्लॉकों की बैठकों का आयोजन किया।